तो हेलो गाइड्स, ओपिलेट्स में आपका स्वागत है। तो कैसे दोस्तों, आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अच्छे रहोगे। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास रिमोट आया है रिपेयरिंग के लिए। इसका वर्क नहीं कर रहा है रिमोट। तो आज सिखाएंगे आपको कि रिमोट दिखाएंगे कि रिमोट क्यों काम नहीं करता है, इसका अंदर क्या फॉल्ट होता है। ओके, एक एक पार्ट आपको दिखाएंगे कि कहाँ से किसका फॉल्ट हो सकता है। तो देखते रहिए वीडियो रिमोट की पूरी जानकारी के लिए, ये कैसे वर्क करते हैं, कहाँ पे प्रॉब्लम है। ओके, तो आप देख सकते हैं गाइड्स, यहाँ पे अगर कैमरा के अंदर कैमरा के पीछे इसको देखा जाए तो इसमें बल्ब यानी लाइट जलेगा। ओके, हम जब इसको प्रेस करेंगे बटन, तो आप देख सकते हैं कि बटन प्रेस कर रहा हूँ मैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं है। आप देखिए, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। ओके, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है, यानी बिल्कुल मैं बटन तो दबा रहा हूँ लेकिन रेस्पॉन्स नहीं। तो आपको दिखाते हैं, सबसे फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो बैटरी है, दो बैटरी 1.5 वोल्ट का, ये दोनों को हम जो है टेस्ट करना पड़ेगा। ओके गाइड्स, तो टेस्ट कर रहे हैं, आप देखिए। इसके पहले आपको मीटर को जो है 20 रेंज पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैं 20 रेंज पे सिलेक्ट कर दिया। आप पॉजिटिव को पॉजिटिव पे और नेगेटिव में नेगेटिव दीजिए। तो देखिए मैं दिया, और यहाँ पे देखिए अब 1.5, यानी ये बैटरी हमारा सही है। अब इसको आपको दिखाते हैं माप के। ओके गाइड्स, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1.4, यानी ये बैटरी भी हमारा सही है। तो हमारा प्रॉब्लम कहाँ पे है, तो हमारा प्रॉब्लम दिखाते हैं आपको कि इसके अंदर फॉल्ट क्या हुआ। ओके गाइड्स, तो मैं इसको खोल लिया। आप क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम देखना पड़ेगा कि हमारा जो ये सेंसर है, आप देख सकते हैं बल्ब की तरह पड़ रहता है, लेकिन ये बल्ब नहीं है, सेंसर है। तो इसको बीप रेंज पे सिलेक्ट करके आपको चेक करना पड़ेगा, यानी बीप साउंड या फिर कोई भी ओम्स का नंबर आएगा तो सही है। अगर दोनों तरफ नहीं आएगा तो ये जो सेंसर है एक कट चुके हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सेंसर शो कर रहा है। ओके गाइड्स, सेंसर शो कर रहा है, लेकिन तो मैं इस पर बैटरी दे दूंगा फिर से। ओके, मैं बैटरी फिर से डाल दिया इसमें, और आपको दिखाते हैं इसका वोल्टेज क्या होता है। 20 रे में सिलेक्ट कर दिया मीटर को, मल्टीमीटर को। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा आपको 1.5 और 1.5 वोल्ट कितना हुआ, 3 वोल्ट के आसपास। तो यहाँ पे दोनों दोनों को आपको देखना पड़ेगा नेगेटिव पॉजिटिव में। अब मीटर पे फॉलो कीजिए, देखिए 2.9 है, 3 वोल्ट भी है। ओके, 0.1 वोल्ट कम है हमारा, चलेगा। ओके, बिल्कुल सही है। अब इसका फॉल्ट कहाँ पे हो सकता है, अब यहाँ से, अब देखिए यहाँ से 1 वोल्ट जाता है यहाँ पे। ओके गाइड्स, ये वोल्ट नहीं जा रहा है, यहाँ पे तो है बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे आ रहा है। ओके, यानी इतना दूर हमारा कनेक्शन जो है वो सही है। लेकिन गाइड्स, क्या इसका प्रॉब्लम है, दोनों तरफ वोल्ट है। ओके, दोनों तरफ वोल्ट नहीं आएगा, यानी जो हमारा बल्ब है, बल्ब शॉर्ट हो चुका है। ओके, तो गाइड्स आपको दिखा यहाँ पे जो शॉर्ट हो रहा था। ओके, यहाँ पे शॉर्ट हो रहा था, आप देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से जो यहाँ पे जाता है आईसी का इस नंबर पिन में, तो यहाँ से क्या कर रहा है, आईसी यहाँ पे आईसी का पिन शॉर्ट हो चुका था, इसलिए यहाँ से ये शॉर्ट करके आयर पे दे रहा था, यानी बल्ब हमारा सही है। ओके, जब ये बल्ब चेंज करने जाएंगे ये आयर, तब आपको यहाँ पर आईसी को देखना पड़ेगा कि आईसी से सिग्नल सही जा रहा है या फिर नहीं। तो हमारा जो प्रॉब्लम है आईसी पे, तो आईसी पे हम कर दिया। ओके है, तो आप क्या करेंगे, आप देख लेते हैं वोल्ट। तो आप देखिए वोल्ट वहाँ पे कुछ नहीं है, यानी सही है। तो आइए आपको दिखाते हैं कि हमारा जो रिमोट है बिल्कुल सही हो चुके हैं। तो देखिए मैं सेंसर में लाइट जला के दिखा रहा हूँ आपको, मैं थोड़ा सा अंधेरा कर दिया, अंधेरा कर दो। ओके गाइड्स, तो देखिए आप, तो
अब देखिए मैं इसको सेट कर दिया, अब आपको दिखाते हैं ये वर्क कर रहा है ये पे नहीं। लाइट को मैं थोड़ा सा ऑफ कर देता हूँ। ओके मैं लाइट को ऑफ कर दिया, अब आपको दिखाते हैं। तो आप देखिए ग्लो हो रहा है, एलईडी ग्लो हो रहा है, यानी जो रिमोट है हमारा वर्क करने लगा है। ओके तो प्लीज़ यार अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, जुड़े रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद दोस्तों।